बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन्हें बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आइए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा समर 2005 का पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखिए, एक रामबस दिखाया गया है, ये चारों साइड्स इसकी इक्वल हैं और ये लग रहा है कि इसकी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दी हुई है। ये एक्स एक्सिस पे लाइन करती है और सी मेरा ख्याल है कि ये एम है, ये ए और एम और सी के ये कोऑर्डिनेट्स पूछेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखें द डायग्राम शो द रॉम्बस ए बी सी डी। ए बी सी डी रॉम्बस है, चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, रॉम्बस के हमेशा जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलरली, डायगोनल्स होते अनइक्वल है लेकिन बाइसेक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट यानी और उसके पॉइंट्स बी एंड डी हैव कोऑर्डिनेट्स 2, 10 एंड 6, 2। इसको 2, 10 और 6, 2 है एक्चुअली। एंड ए लाय ऑन द एक्स, ए एक्स एक्स पे लाय करता है। द मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज एम, मिड पॉइंट बी डी का एम है। फाइंड बाय कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ एम ए एंड सी। एम ए और सी के मैं घर पर एम के कोऑर्डिनेट्स मैं करता हूँ, एम इनका मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ एम निकल आएगा। तो एम के कोऑर्डिनेट्स का जाएंगे मिड पॉइंट बी डी के, देखें एम ये देखें 2 + 6/2 और 10 + 2/2, तो ये आ जाएगा एम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 + 6 = 8, 8/2 = 4 और 4, 6। तो ये 4, 6 इसके कोऑर्डिनेट्स एम के आ गए। अब मैं क्या करता हूँ कि एम के कोऑर्डिनेट बल्कि मैं ए सी की इक्वेशन मैं करता हूँ। देखिए ए सी बेसिकली ये है जो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा डायगोनल है। मैं ए सी की इक्वेशन मालूम करूंगा तो फिर मेरा ए पॉइंट आराम से निकल आएगा, एम मिला हुआ है, सी उसका मिड पॉइंट है। ये भी देखें, ये डायगोनल इसके इक्वल है और ये डायगोनल इसके इक्वल है। डायगोनल अनइक्वल दोनों के लिए मिड पॉइंट होता है। तो मैं ए सी की इक्वेशन निकालूंगा और ये परपेंडिकुलर होती है, डायगोनल हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो मैं बी डी का ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ और एम मिला हुआ है हमें, तो बी डी का ग्रेडियंट, तो ए सी का ग्रेडियंट उसका परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ए सी की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, बेसिकली इक्वेशन ऑफ ए सी निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं पहले सबसे पहले ग्रेडियंट मालूम करूँगा बी डी का, ग्रेडियंट ऑफ बी डी। देखिए बी के ये 2, 10 और 6, 2 है, तो आप 2 - 10/6 - 2 कर दें या 10 - 2/2 - 6 करें, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो मैं ये लिखता हूँ 2 - 10/6 - 2 ग्रेडियंट। देखिए मुझे y2 - y1 / x2 - x1 होता है, तो यह जाएगा -8/4 या -2। तो ग्रेडियंट ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल पॉजिटिव और 1/2 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ ए सी चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए सी के लिए ये है और ये एम से गुजरा है, एम पॉइंट हमारा आया हुआ था कितना, एम पॉइंट आया 4, 6। इक्वेशन ए सी में कर लेते हैं 4, 6, तो इक्वेशन ए सी के लिए ग्रेडियंट मिल गया y - 6, यानी बेसिक इक्वेशन y - y1 = m (x - x1) की इक्वेशन होती है। तो y - 6 = 1/2 x - 4, तो यह आ जाएगा y - 6 = 1/2 x और -2, तो y - 6 = 1/2 x - 2। फिर दोबारा लिख दिया, सॉरी। अच्छा अब देखें, मैं -6 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो y = 1/2 x - 2 + 6, तो y = 1/2 x + 4 हो गया। ये इसकी इक्वेशन आ गई अब ए सी की। अच्छा अब देखें ए सी के लिए, आप देखें इधर y 0 है तो एक क्वाड्रेंट मिल जाएगा मुझे, तो एक क्वाड्रेंट पहले मैं वैल्यू करूँगा। तो फॉर क्वाड्रेंट ए पुट y = 0, y 0 पुट कर दें तो 0 = 1/2 x + 4, तो इसे x की वैल्यू निकाल दें तो 1/2 x - 4 के, तो x आ जाएगा -8 के, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए -8, 0।
ए के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, देखिए -8, 0 मिल गए। ये पूछा था, ये भी एक आंसर होगा। अब सी के मैं कोऑर्डिनेट सपोज करता हूँ ए भी, तो इसका मिड पॉइंट मिला हुआ एम, एम के कितने कोऑर्डिनेट्स थे, एम के थे बेसिकली 4, 6। अब इक्वेशन बना के इसका लो, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, तो मैं लेट करता हूँ कि लेट सी के कोऑर्डिनेट्स जो है ए बी है, लेट सी ए बी, इसका मतलब है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी एम होना चाहिए, ए सी का मिड पॉइंट -8, ए तो -8, 0 है, सी ए बी है, तो ये क्या जाएगा -8 + a/2 और ये जाएगा b + 0/2 या 0 + b/2 की बात है, इज इक्वल टू एम के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4, 6, मेरे ख्याल 4, 6 तो इससे करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये -8 + a/2 4 के बराबर है एंड ये 0 + b/2 6 के बराबर है, तो b आ जाएगा 12 के और -8 + a आ जाएगा 8 के बराबर, 2 4 राइट हो जाएगा, तो a आ जाएगा, देखें a ऊपर लिख a आ जाएगा 8 + 8 के, तो a आ जाएगा 16 के और b आ जाएगा 12 के, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि a कामा b है तो c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 16, 12 आंसर। तो आपके एम के मिले 4, 6, ए के मिले -8, 0 और सी के कोऑर्डिनेट में 16, 12। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लग मुश्किल रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसको और मेथड्स भी बहुत हैं कि रामबा से तो आप इसका ए भी लेके कर सकते हैं और फिर इक्वेशन बन जाएंगी, ये सारी साइड्स का इक्वल करके करें वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान मेथड होता है डायगोनल द्वारा। देखिए इसका इसका मिड पॉइंट मैंने लिया तो ये एम आ गया 4, 6 डायगोनल। अब मैंने बी डी का जो ग्रेड बी डी का ग्रेडियंट लिया तो ए सी का ग्रेडियंट उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा और ये ए सी 4, 6 से पास करेगा तो ए सी की इक्वेशन आ गई। ए सी की जैसे ही इक्वेशन आ गई मैंने उसमें एक्स 0 पुट कर दिया तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए ए -8, 0। अच्छा अब आप देखो -8, 0 मिला हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ए बी ले लिए, इसके 4, 6 के बराबर है, फार्मूला लगाया मिड पॉइंट इन दोनों का 4, 6 से इक्वेट किया तो इस ए और बी की वैल्यू आ गई। थैंक यू वेरी मच।